गाइस प्लीज बताइएगा कमेंट्स में पहले और अभी में कोई फर्क है। ये आपको चिकना लौंडा दिख नहीं रहा, देखिए ये गाड़ी के बाल इतने छोटे। क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बस भाई अब हिम्मत नहीं है मेरी, मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा। और फिर आज हम दोबारा आए हुए हैं तुर्किश चाय पीने के लिए। लास्ट वीक हमें इतनी अच्छी लगी कि आज हम दोबारा आए। जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ुहेब खान एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ गायब शायब हो जाता है, काफी दिनों बाद आया, आज व्लॉग के अंदर चले जाता है, बीच में आता है फिर गायब हो जाता है, बीच में आता है फिर गायब हो जाता है। तो यार आप लोग कुछ सपोर्ट करो तो हम रोजा रहेंगे। मैंने तो आपसे बोला था आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब दो, मैं रोज आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा भाई, रोज टपक जाऊंगा। तो गाइज भाई का उरिया देख रहे हो आप, दाढ़ी छड़ी बढ़ गई है और आज तकरीबन 16-17 रोजा हो गया है, दाढ़ी छड़ी नहीं कटवाई और अभी 13 दिन बाकी है ईद में। ईद वाले दिन जाएंगे तो इतनी दाढ़ी बढ़ जाएगी तुम्हारे भाई की तो तुम लोग पहचान भी नहीं पाओगे है भाई कौन आ गया सामने से। तो मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी छड़ी बनवाई जाए और साथ में मोहम्मद इब्राहिम को भी लेके जाया जाए, क्योंकि उसकी भी क्लास में पोनी बन गई थी, टीचर ने पोनी बना दी थी कि भाई ये बाल को कटवा के आओ, बहुत बड़े बाल हो गए तुम्हारे। तो बचपन में मैं भी बड़े बाल रखता था, मुझे भी शौक है, तो मेरा बेटा ये तो उसको भी शौक है बड़े बाल रखने का, लेकिन नहीं अभी स्कूल का टाइम है तो उसके स्कूल के बाल कटवाएंगे और छोटे छोटे बाल करवाएंगे। तो चलते हैं उसको लेके। 2 hours later जी तो गाइस मैं आ गया हूँ इस वक्त शे बनवा के और देखिए आपका भाई कैसा लग रहा है, बिल्कुल चिकना है, स्मार्ट हो, बिल्कुल पहले की तरह लग रहे हैं जैसे आप पहले थे, आज भी वही है, कटिंग तो करवाई नहीं, ऐसे कैसे आप गाइस प्लीज बताइएगा कमेंट्स में पहले और अभी में कोई फर्क है। सुन रहे हैं ना आप, अब आप बताइए फर्क है या नहीं है। ये आपको चिकना लौंडा दिख नहीं रहा, देखिए ये गाड़ी के बाल इतने छोटे। आपका भाई अकेला हो गया है, अब आप लोग बताइए फर्क लग रहा है नहीं लग रहा पहले की पिक्चर में और अभी की पिक्चर में, देखें आप मुझे क्यों भाई। ये देखें गाइस अलीजा पढ़ाई कर रही है, अलीजा का पेपर है। अलीजा क्या कर रही हो, कौन सा पेपर है आपका? इस्लामिया और मैथ का, दोनों एक साथ? ओहो अलीसा स्टडी कर रही है अपनी। 8 hours later तो गाइस सैरी कर ली हमने और आज इतनी जल्दी अजान हो गई पता नहीं चला, मैं बस ब्रश कर रहा था दांतों पे कि सायरन बजने की आवाज़ आ गई और मैंने फटाफट बाहर निकल के पानी फगाया और अब देखिए अजान होगी, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बस जैसे फजर की अदन होती है उसके बाद हम जाते हैं नीचे नमाज पढ़ने के लिए बाजमा। तो भाई वजू वगैरह कर लिया है मैंने, अब मैं नीचे जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तो गाइस जमात खड़ी हो चुकी है, गाइस फजर की नमाज मैंने पढ़ ली है और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए और आपसे मिलते हैं सुबह। The next day. गाइस इस वक्त आए हैं शॉपिंग करने के लिए और अलीजा के ईद के लिए सूट देख रहे हैं। तो अलीजा जो देख रही है ये इब्राहिम के लिए कुछ सूट निकाले, इब्राहिम अलीजा शर्ट दिखा रही है और ये इब्राहिम मस्तियाँ कर रहा है। तो आगे देखते हैं, अभी कुछ यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो आगे जाते हैं तो आगे आपको दिखाते हैं। तो भाई इब्राहिम की शर्टें निकाली हैं अलीजा के हाथ में, ये देखिए कैसी लग रही इब्राहिम शर्टें। तुम्हारी शॉपिंग खत्म नहीं होंगी है? अरे ये घर के लिए अभी रख ली, देख रही हूं मैं, देख रही हूं। ओके अलीजा की लेने चल रही हूं मैं, आई थी मुझे कहा किसी ने। आपके भाई को शौक नहीं है शॉपिंग वॉपिंग करने का, जो हाथ में आ जाए वो भाई आपका पहन लेता है, कोई इतना कोई वो नहीं के भाई ये ले। भाई कराची में आज बड़ी टाइट वाली गर्मी हो रही है, जब से रमज़ान पड़े हैं सारे रोज़े अच्छे गए लेकिन आज बहुत टाइट गर्मी थी भाई। तो आपका भाई तो एसी के सामने खड़े होके ना फुल मस्त टाइम हवा खा रहा है, ठंडी ठंडी क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अलीजा आपके सूट ने तो यार मुझे थका दिया, मैं तो बहुत थक गया यार, क्या करें नहीं पता। अभी और घूमना है या हो गई आपकी शॉपिंग? बहुत थकाएगी आज मुझे ना, बहुत थका है, आपके भाई की टांगों में दर्द शुरू हो गई है। तो घूमने फिरने का काम ना हमसे नहीं होता भाई, ये रमजान के दिन है तो थोड़ा घूमना छूमना पड़ता है, आपको पता है ये इन्जॉयमेंट है। भाई बच्चा चेक करें, मैं इसको बुला रहा हूँ और ये मेरे पास आ नहीं रहा, हाँ देख ही नहीं रहा भाई, भाई को लिफ्ट ही नहीं करा रहा, मना कर रहा है। आ जाओ आ जाओ, नहीं आना बाहर जा रहा हूँ, आ जाओ नहीं आना, जाऊँ मैं, आ जाओ हाथ तो मिला लो यार,
नहीं भाई मना कर रहा है। A few moments later. तो गाइस अभी दूसरी शॉप पे आए हैं अलीता के लिए शॉपिंग करने। इसकी शॉपिंग ही खत्म नहीं होगी तेरी, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी एक आज शॉपिंग कर ली, आप देख रहे हैं, और जीन्स वगैरह देखते हैं, आती है तो देखते हैं। अभी चेंजिंग रूम में अलीजा आ जाओ बाहर आ रही हूँ। तो गाइस आती है तो आपको दिखाते हैं। हम तो यकीन करें हमारी टांगें थक गई, गिरने वाले हैं, लिटने वाले हैं, बहुत थक गए भाई। बस हवा निकल गई और वेट कर रहे हैं अलीजा का कि अब निकले अब निकले अब निकले। बहुत थकाती है, इसकी शॉपिंग ही ख़त्म हो गई। गाइस तो फाइनली शॉपिंग हो गई अलीजा की कंप्लीट। अलीजा ले ली आपने तो अब तो कुछ नहीं चाहिए ना, और मैं बहुत थक गया हूँ। अब शर्ट्स भी लेनी है। बस भाई अब हिम्मत नहीं है मेरी, मैं यहीं पे बैठ जाऊँगा। शॉपिंग भी नहीं आना चाहिए, बड़ा थक गया मैं। Two hours later. A few moments later. तो गाइज आज आप फिर चले गए थे नहारी खाने के लिए, और नहारी खाई हमने जाके। आपने रश तो देखा कितना रश हो रहा था, तो वहाँ पे मैं ब्लॉग बना नहीं सका। बहुत शदीद रश था कि मैं वीडियो बना ही नहीं सकता था। तो बड़ी मुश्किलों से हमने रश के अंदर सैरी करी, नहारी खाई, और फिर आज हम दोबारा आए हुए हैं तुर्किश चाय पीने के लिए। लास्ट वीक हमें इतनी अच्छी लगी कि आज हम दोबारा आए। ये देखें मैं दिखाऊँगा। और अभी हमने मंगाया है अपना आइसक्रीम मंगाई है, और वेफर्स मंगाए हैं, और चाय मंगाई है। जैसे ही आती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। गाइस ये देखें आज ये बन रही है कॉफ़ी। तुर्किश कॉफ़ी स्टाइल, वो भी मट्टी के अंदर। गाइस ये आ चुकी है हमारी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, जिसके ऊपर स्प्रिंकल डाले हुए हैं। तो ट्राई करते हैं, अच्छी है। ये चाय आ चुकी है हमारी। तो गाइस हम उसकी चाय पिए और देखते हैं आज की चाय कैसी है। लेकिन चाय तो वैसी होगी क्योंकि चाय इसकी बहुत अच्छी है। मज़ेदार। तो भाई वेफर शेफर आ गए हमारे। एक डेरी मिल्क फ्लेवर है और एक है किटकैट फ्लेवर। मज़ेदार। कैसा टेस्ट लगा? टाइम कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। हेलो गाइस, अलीदा भी खा रही है और इब्राहिम भी अपना वेफर्स खाने में लगा हुआ। इब्राहिम को तो बहुत पसंद आया। इब्राहिम ने भी आइसक्रीम भी फटकाई है और ये वेफर। ओहो कैसा लगा इब्राहिम? बहुत अच्छा, मज़ेदार। यह वाओ। गाइस बड़े मज़े की चाय है और बहुत रश हो रहा है। इस वक्त डेयरी का टाइम है तो लोग काफ़ी फैमिली आई हुई है यहाँ पे चाय पीने के लिए, चाय पराठा खाने के लिए, वेफर्स खाने के लिए। रश बहुत है यहाँ पे। स्ट्रीट फूड है लेकिन बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ गया। चाय पी ली तुमने? बड़ी जल्दी पी गई भाई चाय तुम। पेट कम ही है बेटा, पेट मेरा कम ही है। ऐसा नहीं बोलो कि पेट पापा इतना मोटा पेट है, अभी ब्लॉग नहीं बनाया करो।
कहाँ से इतना मोटा पेट है, क्या हो गया है? भाई तो आपको लग रहा है मेरा पेट इतना मोटा है यार, ना स्मार्ट बन गया तो ये उनको मेरे फेस से आइडिया हो रहा है लोगों को, तो आप क्या करें? चल झूठा, ये देखा ये दोनों शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता ना, इनको तो बहाना चाहिए, देख आपकी मम्मा को तो बहाना चाहिए, बस पेट का जिक्र और बाबा के पास शुरू हो जाए। मैं गाइस स्मार्ट हूँ, आप लोग बताओ मैं स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ? हैं इतना मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस, इतना स्मार्ट हैंडसम। अच्छा आप अपने मुंह से चॉकलेट तो साफ करो, आपने सारा वो वेफर्स खाया है, चॉकलेट ही चॉकलेट आपका मुंह हो रहा है गंदा शंदा। गजब बेइज्जती है भाई, ये देख रहे हैं ये तीन हो गए अभी, है तीनों मेरे पीछे पड़ गए पेट के। हैं क्या बोली अम्मी? हमारे सारे दोस्त बोलते हैं अपने बाबा को बोलो कि अपना पेट कम करा ले, फिर फ्लॉप बना। आप अपने सारे दोस्तों को बोलो आपका बाबा है हैंडसम, बिल्कुल स्मार्ट यंग लुक। आपके दोस्तों को नहीं पता, कुछ नहीं पता आपके दोस्तों को है भाई, कुछ पता होता नहीं है, बोले जाते छोटे बच्चे करके है, हैंडसम बंदे की पहचान ही नहीं है किसी को। मेरी बर्थडे आ रही है, अब क्या दोगे मुझे? बर्थडे जब आएगी जब आपको दे देंगे। लेकिन दोगे क्या? उसको धोने को छोड़ो, पहले अपने मुंह तो देखो, सारे वेफर्स लगे हुए मुंह के ऊपर, चॉकलेट चॉकलेट दे सर। हाँ देखो ब्लॉग में देख लेना आप। मेरे गाइस ऐसे पानी नहीं पीते, साफ पानी पीते, समझे ना, मिनरल वाटर वाला, एक्वाफिना वाला। मेरे यम्मी 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 सारा बचा दिया, ऑर्डर मंगवाने का बहुत शौक होता है इसको, लेकिन खाता कुछ भी नहीं है ये। खाता हूं नहीं खाता। अच्छा भाई सब खाता है। अभी मैं गया थी जगह पर, वहां खाया मैंने, सैंडविच खाया, बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक, एक आंटी पी है एक और और अब आ गया हूँ मैं घर, अजान हो चुकी है इस वक्त फजर की और अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तो गाइस यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब को दबा के, बेल आइकन दबा के ज़ुहैब खान वर्ल्ड को ज्वाइन को लाइक कर देना और ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे ठोक देना। तो मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। तो भाई नमाज पढ़ के आ गया तुम्हारा भाई और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जिन लोगों ने अभी तक मुझे लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस करो और ठोको। इतनी अच्छी अच्छी तुम्हें वीडियो मिलती है फिर भी तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, क्या मसला है तुम लोगों के साथ है? लाइक कर दो, शेयर कर दो, मुफ्त में वीडियो आ रही है अच्छी अच्छी, सब्सक्राइब करो तो और अच्छी अच्छी आएंगी, हर किस्म की आएंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और अपने दोस्तों शोस्तों को भी बोलो यार लाइक करवाई करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, भाई की वीडियो देखे। तो इस ब्लॉग को करता हूं मैं यहीं पे एंड, इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, ठोको।